हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएच क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम जो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स के साथ साथ लास्ट में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। ये फ्रेंड्स आपके डीएड, बीएड और जो डीएसएसबी, केवीएस वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आते ही हैं। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले है फॉर्म ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के क्या फॉर्म है? तो इसके अंदर बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है फॉर्म ऑफ एजुकेशन, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। जो फॉर्मल होते हैं उसके अंदर एक सिस्टमेटिकली वे होता है टीचिंग का, एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर होता है पूरा, उसी के तरीके से हम फॉलो करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चे को। इनफॉर्मल में कोई भी सिस्टमेटिक नहीं होता, कोई भी सिस्टम नहीं होता पढ़ाने का, एक अनऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ टीचिंग है या एजुकेशन है। और फॉर्मल के अंदर प्रॉपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, और इनफॉर्मल के अंदर कोई भी प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स वगैरह, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल एजुकेशन, एजुकेशन दैट कैन बी इम्पार्टेड थ्रू सिस्टमेटिकली एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर। वो एजुकेशन सिस्टम या उस प्रकार की एजुकेशन जिसके अंदर जो भी टीचिंग होती है वो पूरी एक सिस्टमेटिकली वे में होती है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और ऑर्गेनाइज प्रोसीजर होता है उसका, करिकुलम भी पहले से ही मेड होता है। इसके अंदर प्रॉपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। उसके बाद कॉमन एजेंसीज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन की कुछ एजेंसीज जैसे हो गए स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ऑर्गेनाइज्ड एंटरटेनमेंट सेंटर्स, लाइब्रेरी, गेम्स, सिनेमास, एजुकेशनल प्रोग्राम्स। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है फॉर्मल एजुकेशन की एजेंसीज का। नेक्स्ट है हमारा स्कूल। स्कूल जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मल एजेंसी है, इसके अंदर क्या होता है, नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स आर गिवन। जो स्कूल के अंदर होती है हमें जो अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब की नॉलेज दी जाती है। फिर उसके बाद सबसे पहली बात, इसमें प्रॉपर करिकुलम होता है जो कि बनाया जाता है, जिसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के हिसाब से टॉपिक्स होते हैं करिकुलम के अंदर सेट करे जाते हैं। फिर एक सिस्टमेटिकली टीचिंग करी जाती है, टॉपिक से रिलेटेड ही टीचिंग मेथड्स के यूज़ करके बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर होता है जो नेक्स्ट पार्ट होता है स्कूल के अंदर या फॉर्मल के एजुकेशन के अंदर, वो टाइम टू टाइम या रेगुलर इवेल्युएशन होता है कि बच्चे को कितनी टीचिंग करवा चुके और किसे कितनी उसकी नॉलेज गेन हुई है। फिर उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। सबसे पहले रिक्वायर्ड सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम। जो फॉर्मल एजुकेशन होता है उसको पढ़ाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट में आता है एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होना चाहिए पढ़ाने का। फिर आर्टिफिशियल, बुकिश, अननेचुरल एंड कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज इज़ प्रोवाइडेड। जो बच्चों को नॉलेज मिलती है वो आर्टिफिशियल नॉलेज होती है, बुकिश नॉलेज होते हैं, मतलब बुक से रिलेटेड, और साथ में जो नॉलेज होती है वो अननेचुरल होती है क्योंकि बच्चा उसमें खुद से नहीं सीखता, टीचर उसे आके सिखाती है, इस वजह से अननेचुरल जो नॉलेज मिलेगी बच्चे को। फिर उसके बाद है प्रॉपर एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमेटिक वे। तो इसके अंदर ये एक प्लस पॉइंट भी होता है फॉर्मल एजुकेशन का कि प्रॉपर एक्टिविटीज़ होती है, जो भी बच्चे को पढ़ाया जाता है उसी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है और स्टेप बाय स्टेप होता है। और जबकि इनफॉर्मल में क्या होता है, कोई भी सिस्टमेटिक नहीं होता, कोई भी एक्टिविटी कहीं पर भी हो जाती है। फिर उसके बाद होता है इट इंक्लूड्स प्रॉपर सिस्टमेटिकली एंड अरेंज्ड करिकुलम। जो करिकुलम होता है वो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, वो बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया जाता है और एज रिलेटेड होता है किस टाइम बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। और जो करिकुलम होता है कि इसके अंदर फिक्स्ड होता है कि इतने पीरियड के अंदर या इतने समय के अंदर बच्चे को हमें ये टॉपिक या सिलेबस पूरा करवा देना है। और जो करिकुलम होता है ये एक रिजिड कंडीशन में बनाया जाता है और स्ट्रिक्ट कंडीशन होती है, रिजिड एंड स्ट्रिक्ट कंडीशन में बनाया जाता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी होता है। फिर नेक्स्ट है टाइम बाइस्ड होता है, मतलब कि फिक्स टाइम होता है। जैसे स्कूल जो होता है हमारा वो नर्सरी या प्री नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक ही होता है, तो इसके अंदर फिक्स्ड होता है
टाइम पीरियड ही लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता, नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग नहीं होता, प्री प्लान्ड होता है सारी एक्टिविटीज़, करिकुलम, टीचिंग मेथड, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है कि बच्चे को ये करवाना है। गोल सेंटर्ड होता है, बच्चा या टीचर बच्चे के हिसाब से पहले गोल सिलेक्ट कर लेती है और वो गोल्स को अचीव करवाने के लिए ही कार्य करते हैं। जो मेन एम होता है फॉर्मल एजुकेशन का, वो होता है कि बच्चे को ट्रेन करते हैं हम किसी भी वर्क में, और फिर उसके बाद उस वर्क से रिलेटेड ही हम उसे टीचिंग देते हैं, और लास्ट में हम जब एग्ज़ाम लेते हैं उस बच्चे का, तो एग्ज़ाम्ड भी फोकस्ड होता है, जो हमने सिखाया होता है कार्य उसी पे फोकस्ड होता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। और जो मेन एम होता है कि वो बच्चा उस पेपर को एग्ज़ाम कर दे, उस एग्ज़ामिनेशन को क्लियर कर दे। मेन एम फॉर्मल एजुकेशन का होता है कि बस एग्ज़ाम क्लियर हो। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में देख लेते हैं इसे कि जो सबसे पहले होता है बच्चे को ट्रेन करना किसी भी कार्य में या वर्क के अंदर, फिर उस वर्क से रिलेटेड हम एग्ज़ाम लेंगे, जो कि हमने पढ़ा होगा उसी से रिलेटेड एग्ज़ाम लेंगे, और उस एग्ज़ाम को पास करना ही मेन एम होता है, उसी से रिलेटेड या उसी के लिए टीचिंग दी जाती है। फिर उसके बाद मेरिट्स क्या होते हैं फॉर्मल एजुकेशन की, हेल्प द चिल्ड्रन इन लर्निंग विथ विच दे कैन नॉट लर्न थ्रू इनफॉर्मल एजुकेशन, तो वो टॉपिक्स या वो चीज़ें पढ़ाने में सक्षम होते हैं फॉर्मल एजुकेशन या सिखाने में, जो हम इनफॉर्मल एजुकेशन से नहीं सीख सकते। इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एजेंसीज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफ़र ऑल एक्वायर्ड नॉलेज विजडम अचीवमेंट इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी टू द नेक्स्ट जनरेशन। अगर फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा तो खाली इनफॉर्मल एजुकेशन से हम कोई भी नॉलेज या कोई भी विजडम अचीवमेंट वगैरह एक सोसाइटी के सभी लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, सिर्फ सेम लेवल पे वहाँ पे बायसनेस हो जाएगी इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर, जो कि फॉर्मल एजुकेशन में नहीं होती है। सब बच्चों को इक्वली पढ़ाया जाएगा। फिर है इट हैज़ सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम, इसका जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर्ड है, जिसके हिसाब से हम सिस्टम में चलते हैं, कोई भी कार्य करते हैं वो सिस्टम में ही करते हैं। फिर है डिमेरिट्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन के अंदर जो होते हैं 1 से या 0 से 3 ईयर्स के बच्चे हैं उनको हम कोई भी एजुकेशन नहीं दे पाते। एवरी स्टूडेंट हैज़ टू वेट फॉर द एक्सपायरी ऑफ द अकेडमिक सेशन वेयर गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैव टू स्ट्रगल, जो कि क्या होता है गिफ्टेड बच्चे होते हैं या फिर ओवर अचीवर बच्चे होते हैं, उन्हें भी पूरा एक साल का वेट करना पड़ता है, जबकि वो एक साल से पहले भी अपने जो अचीवमेंट होते हैं स्किल्स में प्रॉपर तरीके से सक्षम हो जाते हैं, तो यहाँ पे उन्हें एक साल का वेट करना पड़ता है। उसके बाद है फॉर्मल एजुकेशन लेस एम्फेसिस अपॉन बुकिश नॉलेज, तो जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके अंदर बस बुकिश नॉलेज की बात करी जाती है। तो हम इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में फटाफट देख लेते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन में जो वे ऑफ एजुकेशन होता है वो एक अनसिस्टमेटिकली वे होता है और अनऑर्गेनाइज्ड वे होता है, साथ साथ इसके अंदर कोई भी प्रॉपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं होते हैं। ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमारे कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, जो पूरे लाइफ के साथ साथ चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये। द थिंग्स दैट वी लर्न थ्रू आवर गुड और बैड एक्सपीरियंसेस, तो जो इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर जो भी हम अपने अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस से सीखते हैं वो भी इनफॉर्मल एजुकेशन का एक पार्ट है। एवरीथिंग इज़ फ्री नेचुरल, नथिंग इज़ प्री प्लान्ड, इनफॉर्मल एजुकेशन में सब कुछ फ्री है, किसी भी चीज़ के आपको सीखने हैं पैसे नहीं देने पड़ते, हर चीज़ आप नेचुरल वे में सीखते हैं, और कुछ भी प्री प्लान्ड नहीं है, कुछ भी पहले से प्लान्ड नहीं है कि आपको अब ये सीखना है या ये सिखाया जाएगा। फिर है इंस्टीट्यूट्स दैट इन्फ्लुएंसेस द चाइल्ड इनडायरेक्टली आर कॉल्ड इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, जो भी मतलब इनफॉर्मल एजेंसीज वो होती है एजुकेशन से कि जहाँ से भी हम कोई भी इनडायरेक्टली वे में कुछ भी सीखे, जैसे मास मीडिया, रेडियो, सोसाइटी, कम्युनिटी, इंटरनेट, तो इन सब चीज़ों से ये आपको डायरेक्टली कुछ सिखाना नहीं चाहते पर आप इनसे इनडायरेक्टली वे में काफ़ी कुछ सीख लेते हैं, तो इस वजह से ये इनफॉर्मल एजेंसीज हो जाती हैं। फिर है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, नो प्रॉपर प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड, आपको इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई भी प्रॉपर पहले से आप प्लान नहीं करोगे कि ये सिखाना है बच्चों को, जो भी होगा नेचुरल वे में होगा, इट्स जस्ट एन इंसिडेंटल एंड नेचुरल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड करेक्टर फॉर्मेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है और साथ साथ जो आपका करेक्टर होता है वो भी बिल्ट होता है।
फिर उसके बाद होता है इट स्टिमुलेट्स इन अ चाइल्ड अ सेंस ऑफ सेल्फ प्लानिंग। तो इनफॉर्मल एजुकेशन से आपके बच्चे के अंदर सेल्फ़ प्लानिंग भी आती है, सेल्फ़ चूजिंग भी आता है, और वो अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के हिसाब से ही करता है कि उसे क्या पसंद है तो उसी चीज़ को सीखेगा, जो उसे डिसलाइक है, जिसे पसंद नहीं करता, उस चीज़ के बारे में वो नहीं सीखेगा। इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो जो इनफॉर्मल एजुकेशन है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये शुरू से एंड तक आपका चलता ही रहता है। और जैसे फॉर्मल एजुकेशन में था कि आप 0 से 3 ईयर्स के बच्चों को कुछ सिखा नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, वैसे इनफॉर्मल एजुकेशन में नहीं है। इनफॉर्मल एजुकेशन में ही बच्चा सब कुछ सीखता है 0 to 3 ईयर्स में भी, बोलना, चलना, लिखना, ये 3 ईयर्स तक सब कुछ इनफॉर्मल एजुकेशन से गेन कर लेता है। इट इज़ अवे फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेज। तो यहाँ पे आपको कोई भी बाहरी दबाव नहीं होता, जैसे कि कोई प्रेशर वगैरह, कोई टीचर वगैरह, कोई भी आपका एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होता इनफॉर्मल एजुकेशन में। उसके बाद है अ चाइल्ड हैज़ टू रिले ऑन इट्स सराउंडिंग। जो बच्चा होता है उसे अपनी सराउंडिंग, जो आसपास के लोग हैं, वस्तु है, उन पे ही भरोसा रखना पड़ता है या फिर उन पे ही रिले रहना पड़ता है, जैसे उसके फैमिली, नेबर्स, सोसाइटी, और यही आपके जो इनफॉर्मल एजुकेशन की एजेंसीज भी हैं। इन इनफॉर्मल एजुकेशन अ चाइल्ड रिसीव नॉलेज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो इनफॉर्मल एजुकेशन होता है उसके अंदर बच्चा जो सीखता है वो उसके ऊपर ही होता है कि उसकी किस चीज़ को जानने में जागरूकता है या क्यूरियोसिटी है, और जो बच्चे का नेचर है उसी के हिसाब से चीज़ें सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन स्टिमुलेट्स एंड एनरिच इमेजिनेशन, क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो इनफॉर्मल एजुकेशन होता है उससे बच्चे के अंदर इमेजिनेशन की पावर बिल्डअप होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आती है, एक्यूरेसी लेवल इंक्रीज होता है, और साथ साथ जो स्टेटमेंट्स और थॉट्स हैं उनके अंदर विविडनेस भी आती है। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। जो फॉर्मल एजुकेशन है इट इज़ बीइंग इम्पार्टेड इन सर्टेन इंस्टीट्यूशंस ओनली। जो फॉर्मल एजुकेशन है वो दी जाती है सिर्फ आपके कुछ ही जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे, जैसे स्कूल्स, लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, इनकी हम पहले भी बातें कर चुके हैं, तो उन सभी जगह पे या फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में ही आपको फॉर्मल एजुकेशन मिलेगी। और इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए कोई भी फिक्स्ड नहीं है, नथिंग इज़ फिक्स्ड इंस्टीट्यूशन फॉर द फॉर्मल एजुकेशन। कोई भी इंस्टीट्यूट फिक्स्ड नहीं है कि आपको वहीं पे इनफॉर्मल एजुकेशन मिलेगी, या आपको कहीं पे भी मिल सकती है, फैमिली में, सोसाइटी में, आपके नेबर में, कम्युनिटी में, कहीं पे और भी। फिर उसके बाद फॉर्मल एजुकेशन इज़ इम्पार्टेड इन कंट्रोल्ड एंड आर्टिफिशियल वे। जो फॉर्मल एजुकेशन होती है आपको पूरा कंट्रोल होता है उसके अंदर, जो टीचर होता है उसका पूरा कंट्रोल होता है आपके ऊपर कि आपको क्या सिखाया जाए और क्या नहीं सिखाया जाए। वहीं पर जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो फ्री एटमॉस्फेयर में होती है और उसमें किसी का भी कंट्रोल नहीं होता कि आपको क्या सिखाया जाए क्या नहीं सिखाया जाए। ऑल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर प्री प्लान्ड इन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव्स की आपको क्या सिखाना है और जो आपके एम्स की आपको क्या अचीव करवाना है वो सब कुछ पहले से ही प्लान्ड होता है टीचर्स के द्वारा। नीदर लोकेशन नॉर डायरेक्शन आर फिक्स्ड। जो कि इनफॉर्मल एजुकेशन है उसके अंदर आपकी कोई भी लोकेशन फिक्स्ड नहीं है कि आपको कहाँ पे मिलेगी, और डायरेक्शन की किस वे से पढ़ाया जाएगा ये भी कुछ फिक्स्ड नहीं होता। फॉर्मल एजुकेशन इज़ जनरली एजुकेशन इज़ गिवन बाय टीचर। फॉर्मल एजुकेशन के अंदर जो आपको नॉलेज होती है, एजुकेशन, वो टीचर्स के द्वारा दी जाती है, और इनफॉर्मल में कोई भी डेफिनेट टीचर नहीं है कि आपका कोई भी फिक्स टीचर नहीं है, ये कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है, आपका पीयर ग्रुप्स भी हो सकता है, आपके नेबर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। फॉर्मल एजुकेशन इज़ प्रॉपरली प्लान्ड। फॉर्मल एजुकेशन में हर कुछ चीज़, एक एक चीज़ प्लान्ड होती है, आपको क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना, और जो भी सिखाया जाएगा वो एक सिस्टमेटिक वे में सिखाया जाएगा। पहले आपको ABCD सिखाया जाएगी, उसके बाद वर्ड्स, फिर सेंटेंसेस। वहाँ पे ही इनफॉर्मल में कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी पहले से डिसाइडेड नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन प्रॉपरली डेफिनाइट करिकुलम एंड टीचिंग टेक्निक्स। जो फॉर्मल एजुकेशन होगा वहाँ पे आपके पास प्रॉपर एक करिकुलम होगा, उसके हिसाब से आपको सिखाया जाएगा, और जो टीचिंग टेक्निक्स होंगी वो भी आपकी फिक्स्ड होंगी और प्रॉपर होंगी अकॉर्डिंग टू जो भी आपको सिखाया जाएगा। और जो आपके इनफॉर्मल है उसके अंदर आपकी टीचिंग टेक्निक्स वगैरह, करिकुलम वगैरह, नथिंग इज़ फिक्स्ड। यहाँ पे क्रॉस नहीं आएगा। तो आपके इनफॉर्मल में कुछ भी फिक्स्ड नहीं है।
इट इज़ टाइम बाउंड, जो कि फॉर्मल एजुकेशन होता है उसके अंदर आपके टाइम की लिमिट होती है या फिर टाइम बाउंड होता है कि आप जैसे आपको स्कूल के अंदर फिक्स्ड है कि 12th तक जा सकते हो, फिर कॉलेजेस वगैरह, वहीं पे जो इनफॉर्मल एजुकेशन वो आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो आपकी पूरी ज़िंदगी भर चलता रहता है। इट इज़ नोन एज डायरेक्ट एजुकेशन, जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन होता है उसे हम डायरेक्ट एजुकेशन भी कहते हैं और इनफॉर्मल एजुकेशन को हम इनडायरेक्ट एजुकेशन कहते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा प्रॉपर इवेल्युएशन इज डन थ्रू एग्जामिनेशन, तो जो आपका फॉर्मल एजुकेशन है उसके अंदर आपने कितना सीखा, क्या सीखा, उसका पूरा एक इवेल्युएशन करा जाता है एग्ज़ाम्स के थ्रू, और जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आपको डिग्री या सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये उससे ये प्रूव होता है कि हाँ भाई आपको ये चीज़ आती है, इस चीज़ की नॉलेज है। और वहीं पे इनफॉर्मल एजुकेशन में आपको कोई भी इवेल्युएशन नहीं होता, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता, आप कोई भी प्रूफ नहीं होता कि आपको ये चीज़ आती है, ये स्किल आती है आपको या नहीं आती, और इसी वजह से यहाँ पे कोई भी डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।